बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो आपके साथी जिन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा की बात है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आपने और कल्ला जी ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हम देवतर पार हो, बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो सर इस बीच जो आपके प्रभारी है रंधावा जी, उन्होंने कहा कि जो भी वरिष्ठ है उनको खुद स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए, आप युवाओं को आगे कमान देनी चाहिए। विवेक से फैसला ले रहे हैं ना, लड़ेंगे चुनाव। यदि सर अशोक गहलोत साहब, क्योंकि वो भी 70 पार हैं, तो यदि वो फैसला ले लेते कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप उनके साथ रहोगे या वो अपने फैसले पर कायम रहोगे? युवाओं को आगे करने की कमान लगातार उठ रही है, मांग उठ रही है, तो आप आने चाहिए। युवा आने चाहिए ना, कौन मना कर रहा है? तो आपके ही युवा सचिन पायलट, उनको पार्टी कब आगे करेगी? नमस्कार, मेरे साथ है सीकर के दो विधायक और पूर्व मंत्री, कई बार विधायक रह चुके और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेहद करीबी हैं, परसराम मोहरदिया जी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर आजकल जो आपके विधायक हैं, आपके साथी हैं, वरिष्ठ साथी जो कि 70 पार के हैं, वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप 73 साल के हो, कितने फिट हो, स्वस्थ हो, चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे, स्वस्थ हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। जो आपके साथी जिन्होंने बोला कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा की बात है, उसमें मैं क्या कमेंट कर सकता हूँ। आपने और कल्ला जी ने कहा कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, कुछ भी हो जाए, चाहे हम देवतर पार हो। बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। तो सर इस बीच जो आपके प्रभारी है रंधावा जी, उन्होंने कहा कि जो भी वरिष्ठ है उनको खुद स्वविवेक से फैसला लेना चाहिए, अब युवाओं को आगे कमान देनी चाहिए। विवेक से फैसला ले रहे हैं ना, लड़ेंगे चुनाव। अच्छा, और जो युवा साथी है उनको लेकर? उनको भी लड़ाओ, कौन मना कर रहा है? यदि सर अशोक गहलोत साहब, क्योंकि वो भी 70 पार हैं, तो यदि वो फैसला ले लेते कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो आप उनके साथ रहोगे या वो अपने फैसले पर कायम रहोगे? नहीं नहीं नहीं, सीएम साहब कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, सीएम साहब के साथ रहोगे, क्योंकि आपने कई बार सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई है, क्योंकि आप इतने सालों से विधायक रहे हो, पूर्व मंत्री रहे हो, आपकी जनता, क्षेत्र की जनता क्या की डिमांड है, क्षेत्र की जनता क्या कह रही है आपको? जनता कह रही है, इसीलिए तो कह रहा हूँ चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, दूसरा सर, 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, सालों तक संघर्ष हुआ था, सड़कों पर युवा उतरे थे, आपके साथी वरिष्ठ साथी उतरे थे, तब पायलट की बात आई थी। अब क्या यदि पायलट को लेकर लगातार पार्टी में भी ये धुंध चल रहा है, गुटबाजी की जोर से लगातार चल रही है, हालांकि तस्वीरें सामने आती है? कोई, कोई, को, कोई गुटबाजी नहीं है, ये तो हर पार्टी में थोड़ी बहुत चलती है, तो खास कोई गुटबाजी नहीं। बीजेपी बोल रही है कि जो 4.5 साल थे कांग्रेस सरकार के, वो कहीं ना कहीं आपसी गुटबाजी में होटलों में भी रह गए, जनता का भला नहीं कर पाए। बीजेपी ने कुछ भी कह सकती, इतना काम हुआ है राजस्थान में, इस सरकार ने, गहलोत जी ने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं, क्या काम नहीं हुआ? तो बीजेपी थोड़ी कहेगी काम किया, वो तो नेगेटिव बात करेगी। युवाओं को आगे करने की कमान लगातार उठ रही है, मांग उठ रही है, तो आप आने चाहिए? हाँ, तो युवा आने चाहिए ना, कौन मना कर रहा है? तो आपके ही युवा सचिन पायलट, उनको पार्टी कब आगे करेगी? वो तो हाईकमान करती है सारा फैसले, यहाँ नहीं होते कोई फैसले, सारे फैसले हमारी पार्टी में हाईकमान सब कुछ है। क्षेत्र की जनता अगली बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहती है? सरकार रिपीट हो रही है आपकी? रिपीट होगी। तो फिर पार्टी में जो चल रहा है लगातार, ये क्यों कले हो रही है? कभी एक मंत्री पहले सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच था, अब प्रताप सिंह खाचरियावास हो, शांति उनसे उनसे पूछो ना, वो मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ, उनके विचार हैं, पर मेरी बात कह रहा हूँ, चुनाव लड़ूंगा, अशोक गहलोत जी के साथ हैं, पहले भी, आज भी, आगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।